कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। डीवाई चंद्रचूड़ इज अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक्ड थ्रू। एक उन्होंने तस्वीर डाली जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया, तो वहां पर क्या बोलेंगे कुणाल कामरा? यानी वो सीधा सीधा जेल जाने को भी तैयार है। प्रशांत भूषण की जैसी प्रोसीडिंग देख ली 20 घंटा, तो वो 20 घंटा खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातें उसके बारे में बता सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी का अर्णब गोस्वामी के नाम पर हवाला देते हुए जो कहा था, उन्हीं बातों को एक्सपोज कर सकते हैं कुणाल कामरा की सिलेक्टिव होना क्या होता है। तो आज की एक बड़ी खबर जिसमें मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार करूंगी, आप सुनिएगा, क्या आपको लगता है कि कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया? यानी कुणाल कामरा की अपनी जो कॉमेडी है अब वो सुप्रीम कोर्ट की ट्रेजेडी बन सकती है। ये आखिर मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब से अर्णब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पर्सनल लिबर्टी का हवाला देते हुए उन्हें बेल दी, उसके बाद से कुणाल कामरा ने लगातार कई सारे सीरीज में ट्वीट किए और अब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका इनिशिएशन के वेणुगोपाल जो कि अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीड करे कि नहीं करे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में ये बॉल है। लेकिन उससे पहले अगर ये इनिशिएशन होता है तो कुणाल कामरा का अपना एक जवाब भी आ गया है। जो जवाब क्या है और वही अब आगे बताएगा कि कुणाल कामरा आखिर माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनके जवाब से बहुत कुछ साफ हो गया है। लेकिन आज मैं आपको पहले यह बता देती हूँ कि आखिर उन्होंने किया क्या। सबसे पहले मैं आपको यह बताती हूँ और उनका क्लैरिफिकेशन क्या वो भी बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको जरा यह बता देती हूँ कि आखिर कुणाल कामरा ने ट्वीट क्या किया था। सबसे पहले जब अर्णब गोस्वामी के लिए ये बात सामने आई कि उनको बेल मिल जाएगी, तो उन्होंने लिखा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद एक एक करके उन्होंने और कई सारे ट्वीट किए। एक उनका ट्वीट था जो कि सीधा सीधा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर टारगेट करते हुए था, और वो ट्वीट उन्होंने किया कि डीवाई चंद्रचूड़ इज अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक्ड थ्रू व्हाइल कॉमनर्स डोंट नो इफ दे विल एवर बी बोर्डेड और सीटेड लेट अलोन सर्व्ड जस्टिस। यानी वो सीधे कह रहे थे कि जो फर्स्ट क्लास सिटीजन यानी अर्णब जैसे लोग, उनको तो वो शैंपेन दे रहे हैं, एक ऐसे फ्लाइट अटेंडेंट बन चुके हैं चंद्रचूड़ की, लेकिन बाकी जो बिल्कुल कॉमनर लोग हैं, बिल्कुल गरीब आम आदमी जिनके पास ये सब सहूलियतें नहीं है, उनको तो यही नहीं पता कि उनको सीट भी मिलेगी या वो बोर्ड भी करेंगे उस फ्लाइट में, जस्टिस सर्व होगा कि नहीं होगा वो तो बहुत दूर की बात है। ये उन्होंने उसमें बात कही और एक एक करके, एक उन्होंने तस्वीर डाली जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दिया। ये तमाम एक एक करके उन्होंने कई सारे ट्वीट्स डाले जिसके बाद उनको कई लोगों ने धमकी देनी शुरू की, कई लॉयर्स ने धमकी देनी शुरू की कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, जिसका भी जवाब उन्होंने बिल्कुल इसी अंदाज में दिया। वो मैं आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। वो बिल्कुल एक जगह पे उबासी लेते हुए नजर आए, एक जगह पे क्लैप करते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा ये तो कंटेम्प्ट ऑफ फैक्ट्स हो गया है क्या, या फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ जोक आपने किया है। अब उनका क्लैरिफिकेशन जो आया है, क्लैरिफिकेशन से आप ही अंदाजा खुद ये भी लगा सकते हैं कि कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे। और कुणाल कामरा ने अपनी क्लैरिफिकेशन क्या दी है वो मैं आपको पूरा लेटर बता देती हूँ। उन्होंने लिखा कि डियर जजेस मिस्टर के वेणुगोपाल, द ट्वीट्स आई रिसेंटली पुट आउट हैव बीन फाउंड इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑल दैट आई ट्वीटेड वॉज फ्रॉम माई व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिविंग अ पार्शियल डिसीजन इन फेवर ऑफ अ प्राइम टाइम लाउड स्पीकर। Prime time loudspeaker, you understand who it is. I believe I must confess, I very much love holding court and enjoying a platform with a captive audience. An audience of Supreme Court judges and the nation's topmost law officer is perhaps as VIP an audience as it gets. But I realize that more than any entertainment venue I would perform in, a time slot before the Supreme Court is a scarce commodity. Yani main to perform karunga aapke yahan par aake, main to stand up comedian hu aur aap jaisi audience mujhe mil jaye VIP type ki, isse acha kya hoga. Aage wo likhte hain, my view hasn't changed because the silence of the Supreme Court of India on matters of others' personal liberty cannot be uncriticized. I don't intend to retract my tweets or apologize for them. Yani wo maafi nahi mangenge aur na hi wo apne tweets delete karenge. I believe they speak for themselves. Wo apne aap mein bahut saksham hai apni baat kehne ke liye. I wish
to volunteer having the time that would be allotted to the hearing of my contempt petition. 20 hours at the very least if Prashant Bhushan's hearing is anything to go by. To other matters and parties who have not been as lucky and privileged as I am to jump the queue, may I suggest the demonetization petition, the petition challenging the revocation of J&K's special status, the matter of the legality of electoral bonds or countless other matters that are more deserving of time and attention. Ye itne important issues hai, in par to aapne kuch kiya nahi. तो आप अगर इन्हीं बातों पर चर्चा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. टू स्लाइटली मिसकोट सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे, विल द हेवंस फॉल इफ मोर सेलियंट मैटर्स आर अलॉटेड माय टाइम. हरीश सालवे ने अर्नब के पक्ष में दलील देते हुए कहा था ना कि क्या बहुत हेवंस फॉल हो जाएंगे, क्या मतलब आसमान धरती पर आ जाएगा अगर अर्नब को बेल नहीं मिली, ये बोला था ना. तो उन्हीं का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात की, तो क्या ये हो जाएगा क्या. और साथ ही लास्ट में उन्होंने बोला कि मैंने पहले ये जरूर कहा था कि महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो रिप्लेस कर देनी चाहिए हरीश सालवे की तस्वीर से. अब मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो पंडित नेहरू की तस्वीर लगी हुई है ना, उसको रिप्लेस कर देनी चाहिए महेश जेठमलानी की तस्वीर. महेश जेठमलानी के साथ उनका क्या वाद विवाद हुआ था ट्विटर पर वो आप देख लीजिए. महेश जेठमलानी कह रहे थे कि ये बहुत ही लोली वर्म है जिसको आप एक ग्लो वर्म बना देंगे, इसलिए इनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, कोई इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत नहीं है. तो उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए, जो अपने पिता के बलबूते वहां पर बैठे हुए हैं और ये सब काम कर रहे हैं और अपना पूरा नाम अपने पिता के बलबूते रख रहे हैं, वो कम से कम मुझे तो ना समझा, ये उन्होंने जवाब दे दिया. साथ ही उन्होंने ये भी इस बात का भी हवाला दिया जो डीवा चंद्रचूड़ ने कोर्ट में ही कहा था कि अगर आपको अर्नब का चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए ना. तो उन्होंने कहा अगर आपको मेरे ट्वीट पसंद नहीं आ रहे तो मत पढ़िए ना, उन्हीं का हवाला देते. और अब देखिए किस तरह के रिएक्शन इनके इस जवाब के बाद से आ रहे हैं. ध्रुव राठी ने जो बात कही है, ध्रुव राठी कह रहे हैं कि कुणाल कामराज केस इज अ रियल टेस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट. If they really believe in personal liberty or are they as selective as he accuses them to be. तो यानी कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया है. अब जब अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर लेता सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करना चाहेगा तो वहां पर क्या बोलेंगे कुणाल कामरा. कुणाल कामरा वो बातें बोल सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को असहज कर दे. सिलेक्टिव क्या होता है होना, ये हो सकता है कि कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके उन जजेस के सामने खड़े होके सब बता दे, एक एक बात बता दे जो उन्होंने अभी अपने चिट्ठी में लिखा है. और साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि मैं कोई लॉयर भी नहीं लूंगा, यानी वो सीधा सीधा जेल जाने को भी तैयार है. उनके खिलाफ जो भी फैसला आएगा वो उसको तहे दिल से स्वीकार करने को भी तैयार है, माफी नहीं मांगेंगे. और वहां खड़े होके अगर प्रोसीडिंग्स होती, अगर प्रशांत भूषण की जैसी प्रोसीडिंग्स देख ली 20 घंटा, तो वो 20 घंटा खड़े होके सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातें उसके बारे में बता सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ही लगातार पर्सनल लिबर्टी का अर्नब गोस्वामी के नाम पर हवाला देते हुए जो कहा था, उन्हीं बातों को एक्सपोज कर सकते हैं कुणाल कामरा की सिलेक्टिव होना क्या होता है और पर्सनल लिबर्टी दूसरों की क्या होती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है. अपने कमेंट लिखिएगा और बताइएगा कुणाल कामरा ने माफी ना मांग कर क्या सही किया. कुणाल कामरा के माफी ना मांगने से और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रोसीडिंग्स करता है तो क्या इन सब चीजों से सुप्रीम कोर्ट को ही असहजता महसूस करनी पड़ेगी. अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा YouTube या Facebook दोनों पर. शुक्रिया. सत्यमेव जयते.